करके मार दिया। तो क्या आतंकवादियों की आरती उतारेंगे क्या? यही तो करना है हम लोगों को। भाजपा को पड़ने वाला एक एक वोट आतंकवाद को सीमा पार ही निपटा देगा। आपको आपका भाजपा को मिलने वाला एक एक वोट बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी दे देता है। कर्फ्यू से मुक्ति और कावड़ यात्रा को ले चलने की गारंटी भी दे देता है। बहनों और भाइयों, आपका एक वोट गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके, कांग्रेस के समय में गरीबी बढ़ी और मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़े हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े हैं। और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कह रही है जो 25 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं इनको फिर से गरीब बनाएंगे। क्या आप ऐसे कांग्रेस को वोट देंगे? और तो और, पिछली बार जो धोखा हुआ, आपने जिस व्यक्ति को सांसद चुना वह व्यक्ति तो भारत माता की जय भी नहीं बोलता, और पिछली बार किस चुनाव चिन्ह पे आया था, इस बार फिर दूसरे चुनाव चिन्ह पे आ गया। ये हमेशा पहले उसने हाथी का सहारा लिया और जब यहां पूरा चर खा लिया है तो अब वह हाथ का सहारा लेकर के जबरदस्ती यहां के संसाधनों को लूटने का प्रयास कर रहा है। और बेशर्मी की हद देखो, देश की संसद में भारत माता की जय करने से भागता है, कहता नहीं हम नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताओ, क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या वोट जाना चाहिए? क्या जो भारत माता की जय न बोल सके, क्या उसको वोट जाना चाहिए? क्या रहेंगे भारत में, खाएंगे भारत में और भारत माता की जय जयकार नहीं करेंगे? ये कैसे चल सकता है? क्या आप स्वीकार करेंगे? ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है, आपके संसाधनों पर डकैती डालने का हिस्सा है, आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश का हिस्सा है। और इसीलिए हम लोग आए हैं कि बहनों और भाइयों, जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालने का काम किए हैं, जिन लोगों ने आपकी सुरक्षा में सेंध लगाया है, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी है, उन सबको चुनाव में खारिज करिए, एकदम एक सिरे से खारिज करिए। क्योंकि सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ये आपके लिए खतरनाक हैं, क्योंकि जीवन तो आपका है। भारत माता को जयकार कर नहीं कर सकते तो देश तो आपका है और वोट भी आपका है। इसलिए बहनों और भाइयों, अपने सुरक्षित जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, भारत माता को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने आवश्यक हैं। और जो भारत की प्रगति चाहते हैं, भारत की समृद्धि चाहते हैं, वे सभी लोग मोदी जी के समर्थन में हैं, सभी लोग समर्थन में हैं। आप भी यहां से चौधरी कंवर सिंह तंवर को पढ़ने वाला एक एक वोट, एक एक वोट बहनों और भाइयों, या एक एक वोट मोदी जी को पड़ेगा और विकसित भारत के लिए पड़ेगा। आप सहमत हैं? सहमत हैं? चौधरी कंवर सिंह तंवर को पढ़ने वाला कमल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट मोदी जी के खाते में जाएगा और विकसित भारत की आधारशिला बनेगा। आप भी सहमत हैं इससे? हमारा देश समृद्ध होना चाहिए, हमारा देश मजबूत होना चाहिए, हमारा देश सशक्त होना चाहिए, आतंकवाद से मुक्त होना चाहिए, हमारा देश किसी भी प्रकार की अराजकता से मुक्त होना चाहिए। सब सहमत है ना? तो 26 अप्रैल को पहला काम मतदान, पहला काम। और आपको 2 दिन का समय और प्रचार के लिए मिल रहा है। इस दौरान घर घर जाकर के, घर घर जाकर के, घर घर जाकर के बोलेंगे हनुमत जयंती है,
और हनुमान जी के आराध्य प्रभु राम को अयोध्या में विराजमान कराने का काम भी मोदी जी ने किया है, तो बोलेंगे जो राम को लाए हैं, क्या बोलेंगे? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बोलेंगे ना? सभी सहमत हैं ना? और कमल खिलाएंगे ये भी बोलेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? तो चौधरी कंवर सिंह तंवर भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।